यार एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन आज तो सैटरडे है, सैटरडे शुभ दिन नहीं है पढ़ाई शुरू करने के लिए। कल से पक्का। पर कल तो संडे है, संडे को कौन पढ़ता है? मंडे से पक्का। नहीं, मंडे को तो मैच है, और ट्यूसडे को अनुज का बर्थडे है। वेडनेसडे से पक्का। वेडनेसडे वाले दिन इस टीवी सीरीज के बाद पक्का, इस टीवी सीरीज के बाद, ओनली वन टीवी सीरीज, दैट्स इट। एक आलसी इंसान किसी भी हद तक जाएगा टू अवॉइड वर्क। पढ़ते वक्त लेजी फील करना नॉर्मल है, बट अगर आप ऐसे ही रोज बहाने मारोगे तो आप हमेशा पीछे रहोगे। कभी कभी ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है, और ऐसे सिचुएशन में आपके काम आएंगी ये 4 टिप्स। यूज दीज टिप्स टू ओवरकम लेजीनेस वाइल स्टडिंग। नंबर 1, हैव अ स्टडी बडी। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो अक्सर जब हम किसी दूसरे इंसान की कंपनी में पढ़ते हैं तब हम ज्यादा फोकस रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर वी बोथ नो कि सामने वाला इंसान हमें जज करेगा। वो ऑब्जर्व करेगा कि हम कितने सिंसियर हैं या कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं। इसके साथ साथ दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन जैसा माहौल भी बन जाता है कि कौन ज्यादा सिंसियरली अपना काम करेगा। सो आप भी इसी ह्यूमन टेंडेंसी का फायदा उठाओ। अपने स्टडी सेशंस के दौरान अपने मॉम, डैड या ब्रदर, सिस्टर, किसी एक इंसान को अपने साथ बिठाओ एंड उन्हें भी कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए बोलो, जैसे कोई बुक पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना या अपना ही कोई असाइनमेंट या टास्क करना, एंड देन सी कि आप कितने फोकस्ड रहते हो। इफ़ यू वॉन्ट, आप अपने किसी फ्रेंड को भी बुला सकते हो, एज लॉन्ग एज आप दोनों सिंसियरली पढ़ो एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है टू ओवरकम लेजीनेस वाइल स्टडिंग, बिकॉज एवरी डे पढ़ना विद कम्प्लीट फोकस इज टफ। तो अगर आपके साथ एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगी तो आपको भी एक नया मोटिवेशन मिलेगा एंड आपके पढ़ने का प्रोसेस भी ओवरऑल एंजॉयबल हो जाएगा। नंबर 2, मूव योर बॉडी। अनडाउटेडली लेजीनेस का सबसे बड़ा रीजन होता है बोर्डम, बट इसके लिए कई साइकोलॉजिकल रीजंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे स्ट्रेस, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ मोटिवेशन एसेट्रा। स्ट्रेंथ कोच इलियट हल्स का एक स्लोगन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम इज योर गेम पीस। यानी अगर लाइफ एक गेम है तो माइंड एंड बॉडी हार्डवेयर है जिसे आप उस गेम को खेलते हो, एंड अगर माइंड एंड बॉडी ही अपने शार्पेस्ट कंडीशन में ना हो तो ऑब्वियसली आप उस गेम को अच्छे से नहीं खेल पाओगे। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज बिजी, टायर्ड, स्ट्रेस्ड एंड इमोशनल, सो समटाइम्स ऑल दे नीड इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्टडिंग एंड कॉन्स्टेंटली वरिंग। अपने रूम से निकलो एंड गो आउट फॉर अ रन, मूव योर बॉडी। आई नो आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, बट एक्चुअली कई रिसर्चर्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि फिजिकली एक्टिव स्टूडेंट्स एकेडमिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं। पढ़ाई के दौरान जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है उसे हमें रिलीज करने की ज़रूरत है। रनिंग, कार्डियो एक्सरसाइजेज, स्पोर्ट्स, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत अच्छा तरीका है टू रिलीज दैट टेंशन। इससे आपकी एंजाइटी, नेगेटिविटी एंड लेजीनेस सब अंडर कंट्रोल रहेंगी। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के दौरान यू लैक एनर्जी या आपको नींद आती है, देन जस्ट प्ले बैडमिंटन फॉर 15 मिनट्स एंड सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ। जैसे ही आपकी हार्ट बीट तेज होती है, ब्लड फ्लो बूस्ट होता है, आप अवेक एंड एनर्जेटिक फील करते हो। आपने कई बार सुना होगा बादाम खाओ, चने खाओ, इससे मेमोरी इंप्रूव होती है, बट सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा। आपकी मेमोरी, फोकस एंड अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज एसेंशियल है। लीव अ कॉमेंट बिलो कि आपकी फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी क्या है। नंबर 3, यूज लेजीनेस टू योर एडवांटेज। कभी कभी लेजीनेस आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकती है। आप इस टाइम को नोट्स बनाने के लिए या नोट्स अरेंज करने के लिए यूज कर सकते हो। आई रिमेंबर मुझे कितनी बार प्रिंट आउट्स के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता था, सो वो एक अच्छा एक्सक्यूज होता था फॉर मी टू टेक ब्रेक्स। आप थोड़ी बहुत प्लानिंग भी कर सकते हो कि आप कैसे नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने वाले हो। यू कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज योर डेस्क, योर रूम, डिजिटल डीक्लटरिंग एसेट्रा। इससे क्या है कि जब आप एक्चुअली पढ़ने के मूड में होंगे तो उस वक्त आपको कोई और टास्क परेशान नहीं करेगा। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी होगी एंड दैट इज पढ़ाई। नंबर 4, यूज कैफीन
but don't overindulge. Look, sometimes we just need to get things done. And जब कोई भी चीज़ काम नहीं आती तो एंड में कैफीन इज़ योर ओनली होप. ये पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि कई केसेस में कैफीन का ओवरडोज आपके लिए काउंटर इंट्यूटिव भी हो सकता है, बट अगर आप केयरफुल रहें और सोने के 8 घंटे पहले कैफीन अवॉइड करें देन ये आपकी लेजीनेस को ओवरकम करने में हेल्पफुल हो सकता है. कैफीन के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है टी, चाय टी, ग्रीन टी एसेट्रा, बिकॉज टी में कॉफ़ी एंड एनर्जी ड्रिंक्स के मुकाबले बहुत कम कैफीन होता है, सो ये रिलेटिवली सेफर है. इसके अलावा कैफीन का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है एप्पल. यस, आप एप्पल भी खा सकते हो. ये आपकी बॉडी को जगाने का एक नेचुरल तरीका है. इसमें कैफीन नहीं होता, इसलिए इसमें कैफीन के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को नहीं मिलते, जैसे एनजाइटी, मूड स्विंग्स एसेट्रा. लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए कुछ और भी इफेक्टिव पॉइंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में मेंशन की हैं. दैट इज़ हाउ टू स्टडी व्हेन यू डोंट फील लाइक इट. सो यू कैन वॉच दैट टू और कीप दैट इन माइंड व्हेनेवर यू फील लेजी अगेन. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे focused.